Hey guys, welcome back to Jar Study Center. मैं ऋषभ राज आप लोगों के लिए फिर से आज नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का जो वीडियो है हमारा वो होगा मैनेजमेंट क्या है। जैसा कि आपने देखा था पिछली बार हमने बनाया था वीडियो कि पांच ऐसी चीजें जो आपको लॉकडाउन के बाद करनी चाहिए जिसके वजह से आपको जॉब इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर से मेरे वीडियो पे जा करके आप देख सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बनता है और हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज का जो जैसे मैंने बताया था हमारा जो चैप्टर होगा वो एवोल्यूशनरी का होगा और उससे हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा आपके स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक पर्सन है जिसके हाथ में एक घड़ी है और उसके 10 हाथ हैं। इससे क्या आप समझ पाते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। आखिर हर कोई आप मैं हम हर जगह अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को मैनेज करते रहते हैं। जैसे कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को स्कूल में टीचर्स को स्टूडेंट्स को ऑफिस में कलीग्स को मैनेजर्स स्टाफ वर्कर्स को मैनेज करना। तो हम आए दिन अपनी ज़िंदगी में छोटी से बड़ी चीज़ों को मैनेज करते रहते हैं। बट मैनेजमेंट आखिर है क्या? ये तो बात हो गई कि हम मैनेज करते हैं चीज़ों को, बट मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट वो होता है कि जैसे किसी भी चीज़ों को, क्योंकि हम तो हर चीज़ें अपने लाइफ में मैनेज कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट वो होता है जो एग्जैक्ट टाइम पे किसी भी टाइम पे, जैसे कि आप कोई एग्जांपल ले लो, अपनी लाइफ में अगर कोई भी आप चीज़ कर रहे हो और उसको आपको एक एग्जैक्ट टाइम पे करना हो कि वो सक्सेस हो पाए, सो उसे मैनेज कहते हैं। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट और मैनेज द थिंग्स इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये मैनेजमेंट मैनेज जो वर्ड है वो आया कहाँ से? वो वर्ड जो आया है वो एक इटालियन वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। ओके, आप यहां देख पा रहे हो। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है आपको स्क्रीन पे एक इंसान दिख रहा होगा, उनका नाम है अरुणाचलम मुरुगनाथम, जिनको बहुत लोग जानते होंगे पैडमैन के भी नाम से। रिसेंटली अक्षय कुमार ने एक मूवी भी की थी इनके ऊपर, पैडमैन, जो कि बहुत अच्छी मूवी रही थी। इनफैक्ट उस मूवी में जो दिखाया गया, इनफैक्ट उस मूवी में जितनी भी चीज़ें बताई गई वो इन्हीं के बारे में थी। तो चलिए मैं आपको इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपको पता है इन्होंने सैनिटरी नैपकिन बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे इंडिया को प्रोवाइड किया कि यहाँ की जो भी गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा टैक्स पे करके, ज़्यादा पैसे खर्च ना करके लोग हाइजीन मेंटेन कर पाए। सो ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। इन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें सही। तो आखिर मैं ये टॉपिक क्यों आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इनका मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है, मैं ये बताना चाहूँगा डायरेक्टली। क्योंकि आपने जब मूवी देखी होगी इनकी, उसमें दिखाया गया कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि इनको मशीन्स खरीदने थे तो इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास में बहुत एक्सपेंसिव मशीन था, इन्होंने US में कॉन्टेक्ट किया था, इनको नैपकिन किस कपड़े से बनता है ये मालूम नहीं था, बहुत टाइम के बाद इनको इन्होंने रिसर्चेस की, इन्होंने बहुत सारे ट्राइज लिए, तब जाकर के कुछ आउटकम इनका हुआ। तो
बहुत ही जुगाड़ से इन्होंने एक नैपकिन रेडी किया। सो जुगाड़ मीन्स दैट इज इन्होंने सटीक चीज़ों को इनको पता हर कुछ था, बट ये सही टाइम चीज़ों को सही से मैनेज स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे थे, बट जब इन्होंने सब कुछ एक सही ढंग से मैनेज किया चीज़ों को, तभी इनका जो प्रोडक्ट है, जो सैनिटरी नैपकिन इन्होंने बनाया था, वो बन करके तैयार हो गया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट। इन्होंने चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया, दैट इज मैनेजमेंट। अब हम आते हैं इसी के साथ अब अगले स्लाइड पे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमारे सामने तीन ऐसे लोग हैं जो कि मैनेजमेंट के गुरु हैं। इनको मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है। इनका नाम है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल इन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग, अगर हम फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं करेंगे, सपोज दैट हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका फ्यूचर फोरकास्टिंग, उसकी प्लानिंग्स नहीं करेंगे हम, वो कैसे उसके बारे में उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उन चीज़ों को उनको कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल करना, तो इसको कहते हैं फोरकास्टिंग, कि कैसे चीज़ों को मैनेज कर करके कैसे कंट्रोल करना है, वेस्ट ना हो कुछ, लोग सही तरीके से काम करें, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तभी हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर फोरकास्टिंग। अब हम आते हैं उसी के साथ दूसरे हमारे जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के गुरु हैं, उनका नाम है फेड्रम मलिक। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन इन रिसोर्सेज, जो भी हम अपना प्रोडक्ट जुगाड़ से, या अब जैसे कि मैंने बताया था अभी अरुणाचलम जी के बारे में, उन्होंने चीज़ों को एकत्रित कर कर के एक सही जगह पे अगर उन्होंने सेट कर कर के अब उनको मैनेज किया चीज़ों को, और उसके बाद उनका एक जो आउटकम था वो सही तरीके से बन के आया, तो डैट इज़ कॉल कि आप सारी रिसोर्सेज को मिला कर के जो प्रोडक्ट बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट, वो आपका प्रोडक्ट होगा। अब इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे गुरु के पास, जिनका नाम है पीटर ड्रक। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, इनोवेशन पहला, मार्केटिंग एंड इनोवेशन। मार्केटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इज अ कस्टमर नीड। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है मार्केटिंग का, तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर देखें, मार्केटिंग आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा कि मार्केटिंग क्या है। और इनोवेशन, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज के डेट में जितनी भी मोबाइल कंपनीज है, आए दिन आप देखते रहते हो एवरी सिक्स मंथ्स में या विद इन अ ईयर नए नए फीचर्स फोन्स के साथ नए नए फोन लॉन्च होते रहते हैं, एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड के। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने नोट 7 प्रो लिया था, तो अब नोट 7 8 आ गया, सॉरी नोट 8 प्रो आ गया, फिर 9 आ गया, तो इट विल गोइंग कंटिन्यू लाइक दिस बियॉन्ड। और जैसा कि आपने देखा था, नोकिया अपने फीचर्स फोन्स के साथ में कुछ भी इनोवेटिव नहीं करता था, वो एक सिंपल सा फ़ोन बनाता था, तो आप लोग जानते हैं कि उसका मार्केट क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए हमें हमेशा इनोवेशंस करते रहने चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट डू वी मैनेज, देर आर 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 5 M's हैं क्या आखिर? तो 5 M's जो है आपके सामने हैं, मैन, मैनेज टू द पीपल, हम कैसे लोगों को मैनेज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में।
दूसरा मटेरियल, मटेरियल अब रॉ मटेरियल जब तक हमारे पास नहीं होगा हम एक फाइनल प्रोडक्ट कैसे लाएंगे। तो रॉ मटेरियल का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत सही टाइम पे आना इंडस्ट्री में, वो भी बहुत बड़ा एक पार्ट है इसका। तो इसीलिए मटेरियल, मनी, इसके लिए मनी भी रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने बताया था अरुणाचलम जी के पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक टेक्निकली जुगाड़ लगा करके फिर उन्होंने बनाया। तो कहीं ना कहीं आपको पैसों की भी ज़रूरत है। चौथा मेथड, मेथड आपको पता नहीं होगा कि हमें किस चीज़ को किस तरीके से बनाना है, तो आप कुछ आउटपुट उसका लेकर के नहीं आ पाओगे। तो इसीलिए मेथड। एंड चौथा सॉरी पांचवा जो हमारा है वो है मशीन, मशीन्स, मशीन्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, कम मैन पावर में आप ज़्यादा यूटिलाइज करते हो, या फिर आपके पास मैन पावर भी ज़्यादा है मशीन्स भी ज़्यादा है, तो आप अपना पैसा ज़्यादा उसमें खर्च कर रहे हो दोनों चीज़ों पे। तो दिस इज़ हाउ हम एक दूसरे से ये पांचों चीज़ रिलेटेड है एंड दिस इज़ कॉल्ड मैनेज। ओके, इनफैक्ट आपके सामने ये दिख भी रहा है, इनको नोट करना है, आप लिख सकते हैं, आपको आगे एग्ज़ाम्स में भी हेल्प हो सकते हैं इन चीज़ों से। तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, दिस आर द मेन थिंग्स, कि ये 5 M's जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 5 M's का यही रोल है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैन पावर को कंट्रोल करना, मटेरियल को कंट्रोल करना, देखना सही टाइम पे सही मटेरियल सही जगह पे होना चाहिए, मनी कंजम्पशन कितना है, मेथड्स क्या है इनके वो चेक करना, और मशीन्स आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो मशीन्स का। हाँ तो गाइज आपके स्क्रीन पे अभी बहुत सारे पिक्चर्स होंगे जो कि आपके समझ से बाहर है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये सारे पिक्चर्स से मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी में आप बहुत सारे फेस्टिवल्स आप लोगों ने देखा होगा, इनफैक्ट आप जन्माष्टमी में देखते हैं दही हंडी होती है, उसमें हंडी फोड़ा जाता है, टीम्स होती हैं, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। दीज आर द प्लानिंग्स, की एक प्लानिंग्स के साथ एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी किया जाता है, और जो फाइनली जो टॉप पे बंदा होता है वो क्या करता है, वो मटके को फोड़ता है। तो दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, मैनेजमेंट, मैनेजिंग द पीपल, हाउ टू भीड़ को भी आपको इकट्ठा जो है वहाँ पे उनको भी मैनेज करना है, जो टीम खड़ा हो करके मटकी फोड़ रही है उनको भी मैनेज करना। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। नाउ आपके सामने दो आठवें जो हमारे वर्ल्ड के 8 अजूबों में से 2 अजूबा, जो एक है ताजमहल और एक है पिरामिड, अब इनको बनाने में कितनी मेहनत लगी होंगी। उस टाइम पे ताजमहल के टाइम पे ना मशीनरीज थी, बट फिर भी सही टाइम पे इतने सारे मार्बल्स वहाँ पहुँचना, या पिरामिड को बनाने में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हुई होंगी वो रॉ मटेरियल्स को सही टाइम पे पहुंचना, उतने सारे मैन पावर को यूटिलाइज़ करना, किस तरीके से कैसे इन चीज़ों को उतनी ऊंचाई तक चढ़ाया गया बिना मशीनरीज के, दीज आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इनफैक्ट एक ऐसा नहीं है कि आप किसी बहुत बड़ी कंपनी को ले लो वही मैनेज कर रही है, या कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री वही चीज़ों को मैनेज करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने एक पान वाला दिख रहा है, एक जिसकी बहुत बड़ी सी मूछें हैं, ये इसका एक शॉप है मुंबई में, इसके बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं मुंबई में, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इनफैक्ट इनका खुद का वेबसाइट भी है, ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, इनका खुद का
इनका जो वेबसाइट है खुद का, वो भी आप वहाँ से भी ये पान बुक कर सकते हो। सो ये भी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे या कंपनी में होंगे तो ही आपको मैनेजमेंट करना है। नहीं, आप आए दिन अपनी निजी ज़िंदगी में भी चीज़ों को मैनेज करते रहते हैं। बट मैनेजमेंट वही कहलाता है जो आप पर्टिकुलरली किसी टाइम पे आप उस चीज़ों को कर दें तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो अब चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोग कन्वर्टेड इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशनरीज जब हो रहा था, इंडस्ट्री में जब रेवोल्यूशन जो उसका चेंज हो रहा था, मैन पावर्स के जॉब जा रहे थे। पहले क्या होता था, लोग खुद से मैन्युफैक्चर करते थे घर बैठ करके, छोटे छोटे चीज़ों को बनाते थे, होममेड्स प्रोडक्ट होते थे। बट फिर इंडस्ट्रीज आई, कंपनीज जनरेट हुए, बने, मशीनरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, लोग मशीन्स पे डिपेंड होते गए और लोगों के जॉब्स जाने लगे। तभी उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो गई थी। बट क्योंकि जो लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा था कि एक नौकर की तरह किसी के यहाँ काम करना, उनके पास और कोई उपाय नहीं बचा था। तब मैनेजमेंट का इजाद हुआ और तब ये मैनेजमेंट चीज़ आई कि अब इतने सारे लोगों को किस तरीके से इनरोल करना है सिस्टम में, कैसे उनसे काम करवाना है, कैसे मशीनरीज और ह्यूमन बीइंग्स एक साथ काम करेंगी और सही आउटकम निकलेगा। तो उन दिनों जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जब सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, तब कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने आई थी, जिसमें से सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन। उस टाइम पे लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि वो किस काम को कहाँ करें, क्या करें, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। लोग पीपल जस्ट स्टार्टेड डूइंग एवरी वर्क, कुछ भी कर रहे हैं कहीं भी, उनको पता नहीं था वो कहाँ जाएं। तो स्पेशलाइजेशन उस टाइम मालूम चला, जैसे कि आप एक नॉर्मल डॉक्टर होता है आपके एरिया में, आपने एक क्लिनिक होता है छोटा सा, आप उसके पास जाएंगे, उसकी नॉर्मल सी फीस 100 रुपीज़ होती है, आप मतलब गए होंगे तो आपको पता होगा। बट आप किसी एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो उसकी फीस ज़्यादा होती, इस चीज़ के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो स्पेशलाइजेशन को तभी उस टाइम जस्टिफाई किया गया था कि कौन सा लेबर कहाँ जाना चाहिए, कौन चीज़ें किस चीज़ में ह्यूमन काम होगा उनका। तो उस टाइम स्पेशलाइजेशन का इनोवेशन हुआ। दूसरा जो है वो है स्टैंडर्डाइजेशन इन क्वालिटी। अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन जैसे कि आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ रेस्टोरेंट को ले लो आप, जैसे कि मैकडी हो गया या KFC हो गया, जिसके भी जितने भी आउटलेट्स हैं वर्ल्ड वाइड आउटलेट्स में, आपको कहीं भी जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ जो बर्गर मिलता है वो किसी अदर प्लेस पे, मान लो कि आपने दिल्ली में जो बर्गर खाया होगा मैकडी का, वो कोलकाता में जा कर के उसका दूसरा साइज हो जाएगा या वो दूसरे टेस्ट का आएगा। जो मैकटिकी का जो टेस्ट होता है वो मैकटिकी का ही रहेगा। KFC जो जैसा होता है, KFC के चिकन जैसे मिलते हैं दिल्ली में, वो आपको कोलकाता में भी वैसे मिलेंगे, मुंबई में भी वैसे ही मिलेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड द स्पेशलाइजेशन, सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन। चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया। पहले चीज़ें स्टैंडर्डाइज नहीं थी, किसी भी वे में कहीं भी कुछ भी बना देते थे लोग। तो अब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया। उसके बाद आता है सिंक्रोनाइजेशन, जिसको कहते हैं 5 M's। 5 M's से हमने सीखा कि अब 5 M's क्या है। जैसे कि 5 M's में मैंने पहले ही बताया था, अब जो मैन है वो अपना जो मशीन के साथ कैसे उसको यूज़ करता है, मशीन को सही तरीके से यूज़ करेगा तो वो मनी को सेव करेगा,
और मेथड यूज़ करेगा जो रॉ मटेरियल्स है वो मटेरियल्स को सही तरीके से एक मेथड से यूज़ करेगा तो जो उसका आउटकम हो वो एक अच्छा आउटकम आएगा उसका प्रोडक्ट जो बनेगा। तो दीज आर द थिंग कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं और इसी से ये जो वर्ड है आपको यही बताता है कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है। अब आते हैं हम मैक्सिमाइजेशन के पीछे। तो मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? मैक्सिमाइजेशन वो होता है जैसे कि कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या होता है। अब मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं जैसे कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ को बना ले प्रोडक्शन कर ले। अगर आप 5 मिनट में 100 फुट स्टेप चल लेते हो तो और 120 भी चल लेते हो तो विच इज़ गुड ऑब्वियसली 120। सो आप ये जानो कि जो मैक्सिमाइजेशन है आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिट इज हिट। ओके नाउ सेकेंड एंड द फिफ्थ लास्ट थिंग इज सेंट्रलाइजेशन। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एंड ये उनके लिए जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो सीनियर लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनके क्योंकि छोटी जो छोटे पोस्ट पे जो लोग होते हैं उनके हाथ में डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं होती है। सो दैट इज़ कॉल अ सेंट्रलाइजेशन। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स की हिस्ट्री में ये सब चीज़ें इनोवेट हुई उस टाइम इनको लाया गया सिस्टम में और इंडस्ट्रीज में कि सिस्टम को कैसे चलाया जाए। सो इसे कहते हैं मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में सिस्टम को कैसे चलाना है नहीं चलाना है कौन सी चीज़ें कहाँ पे होंगी कैसे स्पेशलाइजेशन होगा स्टैंडर्डाइजेशन मैक्सिमाइजेशन ये सारी चीज़ें मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है जिनको अब डेफिनेशन भी लिखना है इनके बारे में। अगर उनको समझ में नहीं आया तो फिर भी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप प्लीज़ इसको आराम से नोट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो टॉपिक है हमारा। तो गाइस इसी के साथ अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस आपके सामने जो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो स्क्रीन है आप देख पा रहे हो इसमें मैंने जैसा बताया था आपको कि अगर मैकडॉनल्ड का जो आलू मैक टिक्की आपको कहीं भी एक ही जैसा मिलेगा आपको इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। आप अगर कहीं भी वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाओ आपको यही मैक टिक्की का जो इसका शेप है साइज है जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं वो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और टेस्ट लगेगा और किसी अलग प्लेस पे कोई और टेस्ट होगा। सो इसी के साथ हम अपना आज का जो वीडियो है समाप्त करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हमारे वीडियो करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे वीडियो को। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाइएगा। एंड फिर अभी भी मैं आप लोगों से बता रहा हूँ जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जिनको भी जनरल कॉम्पिटिशन जिनके उनके घर में कोई अगर तैयारी कर रहा है सो मैं उनको रिकमेंड करूँगा हमारे ही चैनल पे आपको जनरल नॉलेज की और मैथ्स के लेकर के जो क्लासेस हैं आप हमारे ही चैनल पे देख सकते हैं। और बहुत जल्द इंग्लिश का भी इसमें एक क्लासेस आने वाला है। सो बी रेडी फॉर दैट। तो आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा हमारे वीडियो को। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में उसी जोश के साथ।
तो तब तक के लिए अलविदा। आई होप आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन रहे होंगे। तो बी सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।